दोस्तों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बातचीत के लिए हमारे साथ है मशहूर डांसर आदित्य छेत्री। आदित्य स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक तक समझा। आदित्य छोटी उम्र और बड़ी परफॉर्मेंस, क्या राज है इस अभिनय का? जब प्रोग्राम से आता था एक दो बज जाते थे, तब आजकल तब से मैं मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और सर मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। रात दिन एक दो बजे तक मेरे लिए एक सॉन्ग बनाते रह जाते हैं, इसलिए मैं और मेहनत करना चाहता हूँ। मुंबई में मैं जीत के आऊँगा और जीत के दिखाऊँगा। पहला डांसिंग रियलिटी शो आपको कब और कैसे मिला? मुझे सबसे पहले मैं इंडिया गॉट टैलेंट का सर को पता चला, फिर मैं उसका ऑडिशन देने लखनऊ गया। लखनऊ में जैसे ही मैं पहुंचा, इंडिया गॉट टैलेंट का पोस्टर था, बहुत सारे आदमी लाइन में खड़े थे। तब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन जैसे ही अंदर गया, मेरे मन में था मैं जीत के आऊँगा, सिलेक्ट हो जाऊँगा। फिर मैं गया, मेरा बारी आया, फिर जजिस को मेरी एनर्जी स्माइल बहुत अच्छा लगा, जजिस ने मेरी तारीफ भी की। फिर थोड़ी देर हम वेट करे, फिर जजिस ने बोला यू आर सिलेक्टेड, तब मुझे बहुत खुशी मिली। डांसिंग करियर में आपका ड्रीम क्या है? ये ड्रीम है मेरा, मैं तब बड़ा हो जाऊँ, मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, कोरियोग्राफर, और अपनी एक खुद की एकेडमी खोलूँ जिसमें सर और मैं उस एकेडमी को आगे बढ़ा पाए और रियलिटी शो करते रहें। टैलेंट की खोज सीजन वन में आपने क्या प्लान किया? टैलेंट की खोज में सबसे पहले मैं ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया को थैंक्स बोलना चाहूँगा और विजेंद्र सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इतना अच्छा स्टेज दिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये प्लान है, मैं मुंबई के बारे में सोच भी नहीं सकता था मैं डांस के लिए मुंबई जा पाऊँगा, थैंक यू सो मच, मैं मुंबई जा पा रहा हूँ। और ये मेरी ये प्लान है, जो सर मुझे थीम दे, मुझे उसमें बेस्ट करना है और बेस्ट करके दिखाना है, ये मेरा प्लान है। आदित्य कामयाबी के इस बेहतर प्रदर्शन का सहारा आप किसके सर बांधना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने अतुल सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, फिर मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया है। फिर मैं फाउंडर विजेंद्र सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इतना अच्छा स्टेज दिया, थैंक यू सो मच विजेंद्र सर, ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया। आदित्य आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल तक समझा, थैंक यू। दोस्तों आपको इंतजार है प्रतिभाओं की नई नई मिसाल का, वक्त है छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम के दूसरे भाग में करते हैं बात श्रेया सोनी के साथ।